Brought to you by Khata Book. इसका टेक्नोलॉजी का लाभ तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन QR का हिसाब सिंपल हो सकता है क्या? कैसे? खाता बुक QR पेमेंट, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कमलनाथ को झटका लगा है। विधानसभा उपचुनाव के दौरान अब एक और कांग्रेस विधायक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दमोहा से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता स्वीकार की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमले किए। विकास की स्थिति में पिछले दो वर्षों में बहुत पीछे छूट गया। हमारी माननीय कमलनाथ जी से बात हुई थी कि हमारा सिद्ध क्षेत्र बानकपुर है, उसको विशेष दर्जा विशेष पैकेज देना, वो भी नहीं हो पाया। तो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए लोग तमाम प्रकार के आरोप लगाते हैं। इसके पहले भी मैं मीडिया से मुखातिब हुआ, लेकिन जब इन 6 महीनों में जब आदर जी शिवराज जी मुख्यमंत्री बने और 6 महीनों में जो गरीबों की किसानों की जो जन कल्याणकारी योजनाओं में जो राशि गई और जिस प्रकार से उनका भुगतान हुआ और एक पॉजिटिव एटमोस्फियर पूरे प्रदेश में जब बनना शुरू हुआ, तो निश्चित तौर पर मैं प्रभावित हुआ और आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ। राहुल लोधी के बीजेपी में शामिल करने के दौरान एक बार फिर शिवराज ने दावा किया कि कांग्रेस में नेताओं की अनदेखी हो रही है, जिसकी वजह से वो बीजेपी की तरफ रुख करने को मजबूर है। शिवराज ने इस दौरान कमलनाथ पर भी हमले किए। एक तरफ सरकार में रहते हुए विकास के काम नहीं किए, वचन पूरे नहीं किए, वादे नहीं निभाए, विकास ठप्प कर दिया, एक नए पैसे का विकास नहीं किया, जन कल्याणकारी योजना रोक दी गई थी, जनता के प्रति स्नेह ममत्व करुणा संवेदना का आता पता नहीं। पर अब ऐसे में कांग्रेस से मोह भंग होने के कारण, उम्मीदें टूटने के कारण, जो विचार मांग और विकास की ललक और तरफ जिनके मन में है, ऐसे साथी कांग्रेस छोड़ रहे हैं। उधर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भी राहुल लोधी के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। श्रीमान राहुल जी लोधी जो दमोह डिस्ट्रिक्ट से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 55 से आते हैं, परसों मुझसे मिले थे और इनने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफे की पेशकश की थी। उस पर मैंने राहुल जी को आग्रह किया था कि आप युवा हैं, नौजवान साथी हैं, एक बार अपने इस्तीफे पर फिर से विचार करिए, परिवार के सदस्यों से मिलिए या जो नेताओं से आपका संबंध संपर्क हो उनसे इस संदर्भ में चर्चा करिए, क्योंकि राजनीतिक निर्णय बहुत जल्दीबाजी में नहीं लेते। लेकिन कल रात को विशेष रूप से श्री राहुल लोधी जी ने आग्रह किया कि नहीं, मुझे आज नौमी के दिन मुझे इस्तीफा देने का मैंने तय किया है, आप मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। तो आज राहुल लोधी जी ने अपना इस्तीफा त्याग पत्र मुझे दे दिया है और हमने इस्तीफे को स्वीकार कर कार्रवाई के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि MP कांग्रेस के विधायक लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। इससे पहले सिंधिया के साथ कई विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए बीजेपी की सदस्यता स्वीकार की थी, जिसकी वजह से राज्य में उपचुनाव कराने पड़ रहे हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक।